हेलो फ्रेंड्स वेलकम उमेश दास इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके लिए टेक्निकल का कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो ब्लास्ट फर्नेस का रिलेटेड है आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए आपको वहाँ पर भी अपडेट मिलता रहेगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ़ फ्रंट ऑफ टू ईयर हमारे जो फ्रंट ऑफ टू में कितना टेम्परेचर रहता है ऑप्शन है पंद्रह डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन बी सोलह डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन सी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन डी 1800 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा फ्रंट ऑफ टूयर में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है आप इमेज में देख पा रहे हैं जो हमारा टूयर जोन है यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर रहता है दो डिग्री रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जस्ट गेस टेम्परेचर इन ब्लास्ट फर्नेस ब्लास्ट फर्नेस का जो एग्जस्ट गेस टेम्परेचर कितना डिग्री रहता है ऑप्शन ए 200 सौ ऑप्शन ए 100 डिग्री ऑप्शन बी 200 डिग्री ऑप्शन सी थ्री हंड्रेड डिग्री ऑप्शन डी फोर हंड्रेड डिग्री इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेम्परेचर इन हार्थ हीच हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस का जो हार्थ होता है उसमें टेम्परेचर कितना डिग्री रहता है ऑप्शन ए सोलह से अठारह डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन बी बारह से तेरह डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन सी अठारह से दो डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन डी तेरह से पंद्रह डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी तेरह से पंद्रह डिग्री सेंटीग्रेड रहता है हार्थ का टेम्परेचर हमारा आप इमेज में देख पा रहे हैं ये जो हमारा हार्थ जोन है हार्थ जोन में हमारा जो टेम्परेचर रहता है तेरह से पंद्रह डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हॉट ब्लास्ट एंटर द फॉर्नेस थ्रू द टूअर एट द प्रेशर ऑफ हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस में जो हॉट ब्लास्ट जो हम देते हैं इंजेक्ट करते हैं उसका प्रेशर कितना रहता है ऑप्शन ए एक से दो ए एटीएम बी थ्री टू फाइव एटीएम ऑप्शन सी टू टू फोर ए ऑप्शन डी फोर टू सिक्स ए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी टू टू फोर ए रहता है हमारा जो ब्लास्ट वन है जो टू ईयर का प्रेशर फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब कर लें इसी तरह जॉब इंफॉर्मेटिव वीडियो और स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलता रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्टैक ऑफ ब्लास्ट फर्नेस इज लाइन बाय हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस वर्नेस जो स्टैक होता है उसका जो इंटरनल में जो लाइनिंग होता है वो कौन सा ब्रिक्स में किया जाता है ऑप्शन ए मैग्नेसाइट ऑप्शन बी कार्बन ब्लॉक्स ऑप्शन सी हाई ड्यूटी फायर ब्रिक्स ऑप्शन डी नन इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हाई ड्यूटी फायर ब्रिक्स हमारा हाई ड्यूटी फायर ब्रिक्स में उसका इंटरनल का लाइनिंग किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्थ लाइनिंग इज मेड ऑफ हमारा जो हार्थ का जो इंटरनल लाइनिंग होता है वो कौन सा ब्रिक्स में किया जाता है ऑप्शन ए फायर ब्रिक्स ऑप्शन बी कार्बन ब्लॉक्स ऑप्शन सी मैग्नेसाइट ऑप्शन डी नन इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन ब्लॉक्स हमारे जो हार्थ का जो लाइनिंग होता है इंटरनल का वो कार्बन ब्लॉक्स से किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए न्यूली लाइन ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड हमारे जो नया ब्लास्ट फर्नेस को जब चालू करते हैं उस प्रोसेस को क्या, क्या जा कहा जाता है ऑप्शन है ड्राइंग ऑप्शन बी फिलिंग ऑप्शन सी ब्लोइंग इन ऑप्शन डी ब्लैंकिंग तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लोइंग इन हमारा जो न्यूली जो ब्लास्ट फर्नेस होता है उसको चालू करने का प्रोसेस को ब्लोइंग इन कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्प्रेरी शट डाउन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस इज नॉन नच जब हमारा टेम्प्रेरी शटडाउन होता है ब्लास्ट फर्नेस से कुछ काम लिया जाता है उसको क्या कहते हैं ऑप्शन है ड्राइंग ऑप्शन बी ब्लैंकिंग ऑप्शन सी फिलिंग ऑप्शन डी नन इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लैंकिंग उसे ब्लैंकिंग कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दी ब्लास्ट फर्नेस द टाइम इंटरवल बिटवीन टू टेप्स डिपेंड अपन हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस का जो टेप टाइम होता है तो दो टेप टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है ऑप्शन ए प्रोडक्शन रेट ऑप्शन बी साइज ऑफ फर्नेस ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन डी नॉन इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ प्रोडक्शन रेट और साइज ऑफ फर्नेस के ऊपर डिपेंड करता है हमारा जो टू टेप्स टाइम जो रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड हार्थ में भी रिजल्ट बिकॉज ऑफ ऑप्शन ए लो फ्यूल इनपुट ऑप्शन बी एक्सेसिव मॉइस्चर इन ब्लास्ट ऑप्शन सी वाटर लीकेज फ्रॉम टूएल इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस हमारा ब्लास्ट फर्नेस का प्रोडक्शन क्या रहता है ऑप्शन ए मेटल ऑप्शन बी स्लैग ऑप्शन सी गैस ऑप्शन डी ऑल इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल हमारा ब्लास्ट फर्नेस से मेटल भी प्रोडक्शन होता है स्लैग भी होता है और गैस भी होता है अगर हम क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन कौन सा होता है तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैस गैस हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ब्लास्ट फर्नेस से नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन परसेंटेज इन पी आयरन पी आयरन में हमारा कितना परसेंट कार्बन रहता है ऑप्शन है थ्री पॉइंट फाइव टू फोर पॉइंट टू ऑप्शन बी फोर पॉइंट टू टू फाइव पॉइंट टू ऑप्शन सी टू पॉइंट जीरो टू टू पॉइंट फाइव ऑप्शन डी फाइव पॉइंट टू टू सिक्स पॉइंट टू इसका जब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए थ्री पॉइंट फाइव टू फोर पॉइंट टू परसेंट कार्बन रहता है हमारा पी आयरन में नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्ज मेटल कॉपर एंड जिंक रेशियो क्या रहे और हम आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है मॉन्ज मेटल का कॉपर और जिंक का रेशियो क्या रहता है थैंक यू फ्रेंड आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब कर लें इसी तरह जॉब इन्फॉर्मेटिव वीडियो और स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल में प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ जाके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए थैंक यू